हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक बार आपको लेके आए हैं इन मधुमक्खियों के बीच में, और आज इनका शहद निकाला जाएगा, वो हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे इनकी प्रक्रिया होती है। तो लेट्स गो। तो भाई साहब, आज आपका रिजल्ट आने वाला है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा हो रहा है। आज मौसम खुला, बहुत दिनों में अच्छा। आज देखते हैं, शायद निकालने की तैयारी है। तो आज आप खुश दिखाई दे रहे हैं, कितने दिन की मेहनत आपकी है? ये तो है तो साल की, देखो ये बड़ा की बार 20-25 दिन में, 25-26 दिन में मौसम खुला। अब की बार 25-26 दिन में मौसम खुल गया। हाँ जी, तो आज आपका रिजल्ट आएगा। हाँ जी, तो देखते हैं क्या होता है फिर आज है। हाँ जरूर, आज फ्री हैं हम भी। ठीक है, ये क्या नंबर डाल रहे हो आप? इनमें जितने छत्ते हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 7 हैं, वो छत्ते जितने डालने पड़ते हैं। ओके ओके, चलो फिर देखते हैं आज। आज देखते हैं। देख सकते हैं ये मधुमक्खी के सभी डब्बे हैं, और ये बाल्टियां रख दी हैं इस भाई साहब ने यहाँ पे, उठा उठा के ये बाकी सारी साफ़ कर दी हैं अंदर से। हम आपको दिखाएंगे, और ये सभी बाल्टी दो, ये बाल्टी हैं, ये भी साफ हैं। और यहाँ पे आपको ये दिखाते हैं कि ये छावड़ा है, इसमें पता नहीं क्या कैसे कुछ क्या करेंगे, वो तो हम आपको दिखाने के बाद ही पता चलेगा। मतलब ये सामने जाल है, फ्रेम है, इनके अंदर जाली लगी हुई हैं। और यहाँ पे भैया अपने सेटअप को तैयार कर रहे हैं। ये सभी डब्बे हैं, इनसे निकाल के फ्रेम को फिर निकालेंगे। आप देख सकते हैं इन्होंने, भैया ने सेटअप तैयार कर दिया है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इस पेड़ के अंदर वो रस्सी को बांध देंगे। तो भाई साहब, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम टेंट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने अपना सेटअप कर रखा है, यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे पत्थर लगा के, और इसको ऊपर पेड़ों से बांध करके यहाँ पे जाली है जो वहाँ पे लगा रखे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए लगा रखे हैं ताकि यहाँ मच्छर ना या मक्खी अंदर ना आ सके। तो यहाँ पे जो आप कंटेनर देख रहे हैं, इसके अंदर लगभग 3 स्लाइड या 4 स्लाइड इसके अंदर लगा देते हैं, और यहाँ पे भाई है ना धीरे धीरे स्लाइड को घुमाते रहते हैं ताकि कंटेनर में जो इनका रस है, शहद है, वो अंदर आ सके। और यहाँ पे एक नीचे है पाइप लगा रखी है, और पाइप के नीचे एक बाल्टी रख रखी है, वहाँ पे उसका शहद चला जाता है। और यहाँ पे जो भाई सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो इन मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनको साफ़ करता है। उसके बाद यहाँ पे एक छावड़ा रख रखा है, उसके अंदर रख देते हैं, और ये भाई उठा के फिर से इसके अंदर डाल देता है। और जो ये मधुमक्खी के जो छत्ते शहद निकालने के बाद खाली हो जाते हैं, उनको वापस उसी डब्बे में डाल देते हैं ताकि मधुमक्खियों को ज़्यादा शहद इकट्ठा करने के अंदर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और यहाँ पे ज़्यादा घूम फिर के नहीं आएंगी। यहाँ पे अपने जो वापस उसी डब्बे को उसी स्थान पे रख देते हैं ताकि इनको भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मधुमक्खियों को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। वापस उसको ऊपर गर्म कपड़ा होता है जो 3 बोरी है वहाँ पे रख रखती हैं, उसके ऊपर उसका डब्बा जो बॉक्स का होता है वो उसके ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं भाई साहब, ये मधुमक्खी को हटा रहे हैं, और ये आपके सामने थोड़ा सा जो धुआँ है वो दिखा देते हैं ताकि ये मधुमक्खी अपने नीचे चली जाएँ, और फिर इनको एक बार साफ़ करके फिर दूसरे डब्बे में सेट करके वहाँ पे इसके अंदर चले जाते हैं। तो ऐसा ही सेटअप चलता रहता है। ये दोनों तीनों चार पांच भाई हैं जो ये लगे रहते हैं पूरे दिन, एक दिन तो लग ही जाता है इनको पूरे शहद निकालने के लिए, ताकि इनकी खेती अच्छी हो और बढ़िया हो। तो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, और आपके सामने शुद्ध शहद पहुँच जाता है। तो भाई साहब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।